हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं पम्मी। आज हम आपके लिए बहुत ही एक चटपटी सी मजेदार सी रेसिपी लेके आए हैं, पापड़ी चाट। जो इसमें पापड़ी का यूज किया है वो होममेड है, आप उसका वीडियो लिंक स्क्रीन पे देख सकते हैं। पापड़ी अंदर से खस्ता और ऊपर से क्रिस्पी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए पापड़ी चाट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक प्लेट में पापड़ी रखेंगे। ये पापड़ी होममेड है, आप बाजार से भी ले सकते हैं। इसके ऊपर ये उबले हुए क्रश किए हुए आलू डालेंगे। फिर इसके ऊपर प्याज डालेंगे। टमाटर डालेंगे कटे हुए बारीक। ये क्वांटिटी आप अपने हिसाब से चीज़ों की ले सकते हैं, अंदाजे से या अपने जैसे स्वाद अनुसार। अब इसके ऊपर थोड़ा काला नमक डालेंगे। ये भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है। थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च, अब चटनियाँ डालेंगे, हरी चटनी। ये चटनियाँ भी होममेड हैं, इसका भी आप वीडियो लिंक स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये खट्टी मीठी इमली की चटनी, इमली और गुड़ की। अब इसके ऊपर थोड़ी पापड़ी क्रश करके डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसके ऊपर फेंटा हुआ दही डालेंगे। दही भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज्यादा, जैसे आपको पसंद है। भुना हुआ जीरा डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, हरी चटनी, मीठी चटनी, थोड़ी सी ये नायलन सेव। अगर आपके पास घर में सेव नहीं है तो कोई सा भी नमकीन आप इसमें क्रश करके डाल सकते हैं, इससे चाट का लुक अच्छा आता है और खाने में भी अच्छी लगती है। थोड़े से अनार के दाने, अब इसे सर्व करेंगे। हमारी पापड़ी चाट खाने के लिए तैयार है, इसे जरूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।